Hello guys, welcome back to the channel. So first of all, thank you for the 100 subs. Nice. So इस वीडियो का टाइटल देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बायोलॉजी के लिए मैंने कौन सी बुक्स प्रेफर की थी फॉर स्कोरिंग 325 इन नीट 2020. देखो मैं ड्रॉपर हूँ, सो नीट 2019 में मैंने दिया था एंड आई गॉट 260 इन बायो. ठीक है, मुझे पता है इट्स नॉट अ ग्रेट स्कोर इन 2019, बट डिफरेंस क्या हुआ एक साल में कि मैंने लाइक 260 से डायरेक्ट 325 तक लाइक स्कोर किया. सो कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की. अब देखो तुम लोग से बहुत जने होंगे, ठीक है, बहुत जने क्या मैं गारंटी दे रहा हूँ मैक्सिमम होंगे जो अब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनका, लाइक ममता दीदी, उड़ान सिंह, एम्स मिदनापुर, इन सबको फॉलो करते होंगे एंड दे सजेस्ट यू लाइक लॉट हेल लॉट ऑफ अ बुक्स कि यार तुम मेरा बुक ले लो या फिर तुम इस बुक से पढ़ लो या इस टीचर ने ये बुक निकाली उससे पढ़ लो. ठीक है, ठीक है. अब कुछ कुछ ना इन पे इतना ज्यादा डीप इंपैक्ट डाल देते हैं लाइक वो उन्हें भगवान ही मानने लग जाते हैं. कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है. सो लाइक कि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअली इन्हें स्पॉन्सरशिप दी जा रही है कि तुम इस बुक को बेचो या उस बुक को बेचो, लाइक तुम्हें कुछ कमीशन दिया जाएगा. पैसा ही पैसा हो गया. सो तुम उसी बात को सुनते हो एंड वो बुक खरीद लेते हो. यार मैं अभी भी कह रहा हूँ वैसी बेवकूफी मत करो जैसी मैंने की थी 2019 में. सो मैं भी तुम्हारी तरह था, लाइक कोई भी बुक कोई भी सजेस्ट करता था खरीद लेता था. 19 में मैंने ये किया, जैसे अब हंसने वाली बात है, मैंने इन दोनों बुक्स को सबसे ज्यादा रेफर किया था. ठीक है, एंड देन आई इसको भी फिंगर टिप्स भी तुमने बहुत जनों ने सुना होगा कि फिंगर टिप्स इज वेरी गुड. लाइक ये तुम इस बुक को खरीद के इसका एक बार मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स वाला या फिर एनाटॉमी इन प्लांट्स का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना. ठीक है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये बुक कितने एनसीईआरटी मतलब कितना एनसीईआरटी फोकस्ड है. ठीक है, अब तुम्हें बुरा लग रहा होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ. इस बुक में कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे हैं बट मैक्स क्वेश्चन लाइक एवरेज लेवल के. ठीक है, फिर 2020 में मैंने कौन सी बुक फॉलो की मैं बताता हूँ. वो बहुत ही सीक्रेट है. ठीक है, वो किसी को बताना नहीं तुम लोग, लाइक इट्स वेरी मतलब बहुत ही अंदर की बात है. तो मुझे लाइक बताया गया था किसने बताया था शायद इस बुक को जानते होगे तुम लोग या फिर तुम्हारे अलमारी के कोने में पड़ा होगा क्योंकि ये तो यार प्रीटी स्टैंडर्ड बुक है, इसे कौन फॉलो करेगा, एनसीईआरटी राइट. हाँ, एक्चुअली मैंने सिर्फ और सिर्फ 2020 में एनसीईआरटी फॉलो किया और किसी भी एक्स्ट्रा चीज को पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एनसीईआरटी. अब देखो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से तुम्हारे श्योर शॉट 350 प्लस आ जाएंगे. देखो बात ऐसी है कि एनसीईआरटी एट अ लेवल तक तुम पढ़ पाओगे. ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना एनसीईआरटी के जो लाइक तुम लोग कैचअप नहीं कर पाओगे कि भी एनसीईआरटी में लिखा है यार मैंने कभी नोटिस नहीं किया. सो इसके लिए मैं क्या करता था, लाइक मेरा एक फ्रेंड है देवांकुर, तो मैं उसके साथ क्या करता था, हम डिसाइड कर लेते थे कि आज के दिन हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी में, देन तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आना, सो वील डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. एनसीईआरटी से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे को भेजते थे. सो इस हिसाब से क्या होता था, अगर मैं कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का मिस आउट करता था और अगर उसने वो पॉइंट पढ़ा हुआ तो वो मुझसे वो क्वेश्चन पूछेगा और मैं उसका आंसर नहीं दे पाता था. सो ये मेरे दिमाग में ही रह जाता था कि इस दोस्त ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था एंड मुझे याद नहीं रहा था. सो लाइक एक तरह से तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन फ्रेम भी होते थे, आंसर भी आ जाते थे. तो 2020 में नीट में मेरा इस तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन किया. हाँ, अब अगर एक चीज है कि दो क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी से बाहर, तब उसके लिए तुम टू मंथ्स पढ़ोगे, लाइक बायोलॉजी एटेड फिंगर टिप्स, ये सब क्यों टाइम वेस्ट करना है दो क्वेश्चन के लिए. उस जगह तुम अपना केमिस्ट्री या फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, उस पर अपने मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करो. बायोलॉजी जस्ट फॉलो एनसीईआरटी. अब मैं तुमसे 3-4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बायोलॉजी के, ठीक है, एनसीईआरटी से, एंड अगर तुम उसका सही जवाब देते हो तो ब्रो यू आर ऑन राइट ट्रैक, अगर तुम उसका गलत जवाब देते हो तो घबराना मत, ये एनसीईआरटी में ही है, मतलब तुम्हें एनसीईआरटी की फिर से रीडिंग लेनी पड़ेगी. So here goes. First, our heart consists of how many types of tissue? Second है जो leaf होता है monocot as well as dicot, उसमें xylem adaxial होता है या abaxial होता है, इसका तुम लोग answer बताओ. And जो acceptor होता है carbon acceptor होता है C3 या Kelvin cycle में RUBP, वो ketos होता है या aldose होता है, कौन सा type of sugar होता है. Pars distalis कितने टाइप ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और नेक्स्ट है उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. बस लास्ट क्वेश्चन कि एंड्रोजन कौन सा टाइप ऑफ इफेक्ट शो करता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट में, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक. सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. होप तुम लोग सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे जो यार सबसे मेन है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो यार.